Hello students and welcome back to the channel once again. इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन स्कोर नाइनटी फाइव परसेंट मार्क्स इन इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन इन दिस वीडियो एंड गो ना टेल यू दैट विथ सेक्शन यू शुड अटैम्प्ट फर्स्ट एंड किस तरीके से आप हर एक आंसर को अटैम्प्ट करेंगे राइटिंग स्ट्रैटेजी पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सब आपके साथ डिस्कस करूंगी सो so, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपको भी पता है कि आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन सेकेंड मार्च को है तो उससे पहले पहले आपको अपने सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ब्रश अप कर लेना है चलिए शुरू करते हैं अटेम्प्ट द सेक्शन ऑफ इंग्लिश पेपर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको किस सीक्वेंस में अटेम करना चाहिए आपका एग्जामिनेशन सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग सेक्शन होता है इसको पहले अटेम्प्ट क्यूँ करना चाहिए बिकॉज ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और शुरुआत में आपका ब्रेन जो है वो थका हुआ नहीं है ओके okay, बिल्कुल शार्प है उस टाइम पर तो आपको ये चीजें ढूंढनी पड़ेंगी आपने कुछ याद नहीं किया आपको ढूंढना पड़ेगा तो उस टाइम पर आपका दिमाग काफी अच्छे चल सकता है तो इसलिए आपका दिमाग थका हुआ नहीं होगा और आप इस टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन को जितना टाइम बाद में लगने वाला था उससे कम टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हो कैसे करोगे वो भी आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन बी है नेक्स्ट यू शुड अटेम्प्ट द राइटिंग सेक्शन एज इट रिक्वायर्स मोर लॉट ऑफ अ थॉट प्रोसेस देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ सर्च करना था क्योंकि पैसेज के अंदर ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं लेकिन आपका जो राइटिंग सेक्शन होता है इसके अंदर क्या करना होता है इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग बट इट इज ऑल्सो अबाउट द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर सो हेयर आई है आप किस तरीके से अपने प्रिपेयर uh, कर सकते हो कैसे प्रेजेंट कर सकते हो ओके तो यहाँ पर आपका थाट प्रोसेस ज्यादा लगता है आपको सोचना ज्यादा पड़ता है अगर आर्टिकल है डिबेट है स्पीच है तो उसमें आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा तो इसलिए आपको सेक्शन बी बाद में करना चाहिए उसके बाद लास्ट सेक्शन यानी कि आपका सेक्शन सी आपको करना चाहिए क्योंकि इस सेक्शन को करने में आपको सभी सेक्शन से कम टाइम लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी सभी स्टोरीज हैं आप इस सेक्शन से पहले से ही फेमिलियर हो आपने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं सैंपल पेपर्स सॉल्व किए हैं तो आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जबकि ये दोनों जो सेक्शन है सेक्शन ए और सेक्शन बी बिल्कुल ही न्यू होने वाले हैं आपके लिए तो ये जो है आपको पहले करने चाहिए और जो आपसे ये अटेम्प्ट करने वाला सेक्शन है जो जिससे आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो जो कि आपका क्वेश्चन आंसर वाला टर्म आ जाता है क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन आ जाता है इसको आपको लास्ट में प्रिपेयर करना यानी

एक्स वाई जेड ओके ये दो लाइनें मैंने आपको दी अब मैं आपसे बोलना चाहूंगी ये पैसेज अगर आपको पढ़ लिया उसके बाद आप क्वेश्चन पे गए आपको वापस से आना पड़ेगा यार क्या था राम का नाम सॉरी वो, वो कहाँ रहता था उसके पापा का नाम क्या था ये सब ढूंढना पड़ेगा लेकिन अगर मैं पहले आपसे बोल दू वट इज द नेम ऑफ राम फादर तो आप पहले जानते हो कि राम के फादर का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है ठीक है तो आप पैसेज में क्या ढूंढोगे डायरेक्टली जाके राम के फादर का नाम ओके इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा तो ये एक एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको समझाया आप यही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो उसके बाद हम चलते हैं प्रैक्टिस वन और टू अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके लिए सब कुछ बिल्कुल नया कभी नहीं होना चाहिए कभी भी कोई भी पैसेज अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आप बनाकर जाओ कभी भी वो बिल्कुल न्यू आपके लिए नहीं होनी चाहिए ओके तो हमेशा एक या दो रीडिंग आप घर पर प्रैक्टिस करके जाओ जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं आपको किए हैं उसमें से कोई भी एक सैंपल एक उठाना और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर लेना ओके उससे क्या होगा कि आप फेमिलियर हो जाओगे इन वाले पैसेज से भी तो आप ज्यादा जल्दी चीजों को समझने लगोगे ज्यादा जल्दी आपकी पेपर आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे उसके बाद हम चलते हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग अब देखिए रीडिंग सेक्शन में ही आपका एक पैसेज ऐसा होता है जिसके अंदर आपका नोट मेकिंग होता है एज वेल एज उसकी समरी लिखनी होती है तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और उनमें आपको देखना है कि मार्किंग स्कीम जो होती है उसी के अंदर आंसर्स गिवन होते हैं तो उसमें आपको देखना है कि नोट मेकिंग किस तरीके से बनाई गई है और समरी कैसे लिखी हुई है नोट मेकिंग में आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स को लिंक करके आप समरी लिखिएगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अदरवाइज मार्क्स कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है राइटिंग सेक्शन ना राइटिंग इन ग्रामा सेक्शन बच्चों को काफी टाइम लगता है इसको करने में एज वेल एज बच्चे इसमें डरते भी हैं क्यों बिकॉज ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो पहला टिप मैं ये देना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन से पहले आप सभी चीज़ के फॉर्मेट चाहे वो नोटिस का फॉर्मेट हो डिबेट का फॉर्मेट हो स्पीच का फॉर्मेट हो लेटर का फॉर्मेट किसी एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट भी हो सभी को अच्छे से रिवाइज करके जाओ एटलीस्ट थ्राइज टाइम आप उसे एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले उसको जरूर रिवाइज करके जाओ और किसको बिगनिंग क्या है फॉर्मेट उसी को कहते हैं बीच में तो आप कंटेंट डालोगे मेन लेकिन बिगनिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट के अंदर इससे एग्जामिनर क्या होता है मेन कंटेंट सिर्फ डेढ़ से दो मार्क्स या तीन मार्क्स का होता है और उसके अलावा जो ऊपर की ये सब चीजें होती है ना जो आपका ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट इसके मार्क्स ज्यादा होते हैं क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है तो देखिए अगर आपकी बिगिनिंग uh, गलत हो गई एंडिंग गलत हो गई तो मार्क्स वहीं पर कट हो जाते हैं फॉर्मेट सही लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं ओके okay? तो फॉर्मेट जरूर करके जाइएगा उसके बाद हमारा है कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट यू शुड नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट अगर वर्ड फिफ्टी वर्ड्स में लिखने के लिए आपको कहा गया है एडवर्टाइजमेंट हो नोट मेकिंग

या फिर कोई आर्टिकल लिखना है कोई स्पीच लिखनी है तो उसको कैसे करोगे आप समझ लीजिए इतना आपके पास पूरा दो पेज का कंटेंट है आपके माइंड में इतना कंटेंट चल रहा है कि आप दो पेज तक लिख दोगे उस दो पेज के कंटेंट को आपको पांच छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर देना है उससे क्या होता है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है आपके आंसर शीट का और आपका आंसर एग्जामिनर को लगता है ओके वेरी नीट एंड क्लीन है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इट मींस नॉलेज है बच्चे के पास ओके okay? तो ये आपके पास प्लस पॉइंट आ जाएगा उसके बाद हमारा है सी सेक्शन यानी कि हमारा लिटरेचर सेक्शन और ये हम सभी के लिए सबसे ईजी पार्ट होता है कैसे हमें क्या करना है अगर हमें इस सेक्शन में प्रॉपर पूरे मार्क्स चाहिए लिटरेचर सेक्शन में पूरे मार्क्स चाहिए हर एक बच्चा ट्राई करता है कि इंग्लिश में एटलीस्ट उसके नाइनटी प्लस जरूर आए ओके okay, और कैसे आएंगे वो हर एक टिप को फॉलो करके जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ तो आपको लिटरेचर सेक्शन आप अच्छे से कब अटेम कर पाओगे जब आप सारे चैप्टर्स को कर जाओगे एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है वो चॉइस आएगी एग्जामिनेशन में वो अलग बात है लेकिन आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है हर एक चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए ओके okay? ना उसके बाद सीक्वेंस को प्लीज फॉलो करना अगर आपके एग्जामिनेशन के जो पोएम का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आता है देखिए एक क्वेश्चन है फिर सब क्वेश्चन है उसके अंदर ए बी और सी क्वेश्चन है तो प्लीज ए बी और सी ही फॉलो करना ऐसा नहीं है पहले बी कर दिया फिर नाइन्थ क्वेश्चन करा फिर इलेवेंथ क्वेश्चन उसके बाद फिर थर्टींथ क्वेश्चन नहीं टेन इलेवे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट सीक्वेंस फॉलो जरूर करना स्पेशली इन द लिटरेचर सेक्शन वैसे मैं बोलूँगी पूरे एग्जामिनेशन में ट्राई करना सीक्वेंस फॉलो करो बट स्पेशली इन द लिटरेचर सेक्शन आपको आंसर्स लिखने हैं आंसर से आगे लिखना है ए एन एस वन ठीक है वन टू थ्री जो भी कोई आंसर नंबर है आपका वो जरूर लिखना है इसको बॉक्स में कर दीजिए सर्कल में इस तरीके से कर दीजिए बट

पहले उस पूरी नॉवल का प्लॉट समझ लो नॉवल का थीम समझ लो और सभी के कैरेक्टर स्केच याद रख लो ओके इससे आपकी नॉवल इजीली कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन क्यों सिर्फ इन्हीं तीन चीजों से पुटअप किए जाते हैं या तो प्लॉट होगा या तो प्लॉट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या ये जो पर्टिकुलर नॉवल है इसका क्या थीम है इस इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसके अलावा कैरेक्टर स्केच से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये गारंटी है ओके तो आपके सामने क्वेश्चन है आपको बस प्रिपेयर करना है अब आता है आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे देखिए यहां पर मैंने लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है इतना ही टाइम देना है डिवोट फिफ्टी मिनट्स टू ईच सेक्शन ए बी और सी तीनों सेक्शन को आपको प्रॉपर फिफ्टी मिनट्स का टाइम देना है लेकिन आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर सेक्शन इतने टाइम में हो जाएगा समझ लीजिए फोर्टी फाइव मिनट आपके लग गए रीडिंग सेक्शन में या फिर कोई बच्चा ये भी होगा जिसकी राइटिंग स्पीड स्लो होगी तो वो फिफ्टी फाइव मिनट्स में भी कवर कर सकता है ओके okay, तो ये आपकी राइटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में इसको कवर कर पाते हो ओके okay, तो क्या होगा कि ये जो पाँच मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लग गए उसको आपको कहाँ लगा दें आ, उसको आपको कहाँ से बचाना है उसको आपको जो आपका लिटरेचर सेक्शन है वहाँ से बचाना है लेकिन यहाँ पर जिस बच्चे ने फोर्टी फाइव मिनट्स में कंप्लीट कर दिया वो क्या करेगा ये जो बचे हुए पाँच मिनट हैं वो उसको राइटिंग सेक्शन में लगाएगा जिसमें क्या है वो बहुत ही वैल्यूएबल थॉट्स निकाल कर लेके आएंगे चाहे वो डिबेट हो चाहे स्पीच हो उसमें इडियम्स लिखिए मुहावरे लिखिए अच्छे अच्छे थाट्स डालिए जिससे क्या है कि बहुत अच्छा बच्चे आ, टीचर के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ता है और टीचर मार्क्स वहाँ पर फिर थोड़े कम ही काटते हैं ठीक है ठीके? अगर आपका एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी आपको ये पंद्रह मिनट जो है ना लास्ट

ऐसा होता है कई बार होता है कि कई क्वेश्चन होते हैं कि जो हमें नहीं समझ में आ रहे होते कहाँ से हैं लेकिन आपको सोचना है उसी वही एक आपका यहाँ पर एग्जाम है उस चीज का एग्जाम है आपका आपको इसके अंदर ने नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं यार जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों डरना उसको अटेम्प्ट करके आओ कोई ना कोई कीवर्ड तो मिलेगा ना एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए एग्जामिनर ढूंढता है कि कहाँ मार्क्स दे पाऊँ ओके okay, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है जो पंद्रह मिनट लास्ट में बचा के रखने रिविजन के लिए हालांकि लेंदी पेपर होता है नहीं हो पाता है अगर पांच मिनट भी बचते हैं ना आपके पास रिविजन के लिए तो भी मोर देन इनफ है ओके okay? तो इस तरीके से आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को टाइम डिवाइड करना है और हाँ जो टाइम आपने फिक्स किया है उससे ऊपर मत जाना उससे ऊपर टाइम मत देना एक पर्टिकुलर सेक्शन को ठीक है टाइम मैनेजमेंट करना सीखो थोड़ा सा उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए इंग्लिश के एग्जामिनेशन में भाई लिखना तो बहुत पड़ता है बट वर्ड लिमिट को कभी भी क्रॉस मत करना और प्रेजेंटेशन क्या होगी वो जरूर आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं होगी राइटिंग अच्छी नहीं लिखी है हर एक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है मैं मानूंगी ओके लेकिन हर एक बच्चा नीट एंड क्लीन लिखने का ट्राई तो कर सकता है राइटिंग अच्छी कब नहीं होती जब हम एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नहीं लिखते हैं तो ट्राई करना कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आंसर शीट के अंदर प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के अंदर लिखो ओके okay? आपको पेंसिल या फिर ब्लैक पेन ही यूज़ करना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइन अप करने के लिए यानी कि अंडरलाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें अगर किसी का कैरेक्टर स्कैच है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी उसको आपको ऐसे ब्लैक पेन से इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है, तो टीचर को पता चल जाएगा अच्छा वैल्यूएबल पॉइंट ये है इस आंसर के अंदर उसके बाद आपको प्रॉपर स्पेस देना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को कवर करने के बाद कंप्लीट करने के बाद आपको दो लाइंस का कम से कम गैप छोड़ना चाहिए और अगर कभी ऐसा होता है कि ये एक पर्टिकुलर पेज है वेट आ आ, अगर आपका ये एक पर्टिकुलर पेज है और ये आपका सेकेंड पेज है अगर आपका आंसर जो है इस पेज पर पूरा आने के बाद इस पेज के यहाँ तक आता है ये वाला और ये वाला पूरा ऑक्यूपाई कर लिया एक आंसर ने उसके बाद ये जो स्पेस बचा हुआ है इसको छोड़ दो एज इट इज छोड़ दो नेक्स्ट पेज से आप शुरू करो ठीक है नेक्स्ट पेज से शुरू करो अपने नए आंसर को लिखना इससे क्या है एग्जामिनर जो है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका और कभी भी ये टेंशन मत लेना कि यार आंसर शीट के अंदर शीट्स कम पड़ जाएंगे बिकॉज़ बोर्ड के अंदर काफ़ी अच्छी खासी मोटी सी आ, आपको बुकलेट मिलती है उसके अंदर आप ईजिली लिख पाओगे कोई पेपर का इशू नहीं होता उसके बाद मार्जिन जरूर ड्रॉ कर लेना अगर टाइम बचता है तो या तो पहले ही कर लो अब ये तो नहीं है ना आपकी पेंसिल स्केल लेकर बैठोगे हाँ हर एक पेज पर मार्जिन बनाना शुरू नहीं पेपर को एक तरीके से फोल्ड करना दोनों तरफ से गेट की तरह होता है ना उस तरीके से आप जैसे क्या होगा यहाँ से फोल्ड कर दो और यहाँ से फोल्ड कर दो इसको जब आप ऐसे फोल्ड करोगे इस तरीके से इसको यहाँ पर फोल्ड करोगे तो यहाँ पर लाइन्स बन जाएंगे आपको सिर्फ इन लाइन्स के अंदर ही लिखना है ओके okay, स के अंदर लिखना है और इससे क्या है आपका जो टीचर है उसको जब वो आप थ्रेड बांधते हो ना तो वो क्या होता है कई चीजें छुप जाती हैं आपने देखा होगा तो वो चीजें छुपेंगी नहीं इससे मार्जिन की वजह से उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमेशा करेक्ट लिखना है हमेशा क्वेश्चन नंबर करेक्ट होना चाहिए बड़ा बड़ा लिखना है ताकि टीचर को दूर से बच जाए अच्छा ये वाला क्वेश्चन नंबर है ये उसके बाद नीट एंड क्लियर हैंडराइटिंग पहले ही बता चुकी हूँ और कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया है बट उन्होंने कटिंग ज्यादा कर दी क्यों देखो अगर मैं लिखने वाली हूँ प्रॉपर ठीक है पी आर ओ पी आर ई लिख दिया मैंने पी आर -E होती है स्पेलिंग लेकिन मैंने पी आर ई लिख दिया तो मैं क्या करूंगी मैं इसको सिंपल कट मारूंगी एक कट और आगे लिख दूंगी पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर ओके ये हो गया पर्टिकुलर एक अच्छे बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इस तरीके से कटिंग करनी चाहिए अब आप क्या करते हो शुरू से ही जब हम बच्चे दे थे, तो मैंटेलिटी होती है हमारी कि हम इस तरीके से कर रहे होते हैं कि प्रॉपर की स्पेलिंग गलत होगी तो आपने ऐसे ऐसे काट दिया ठीक है ऐसे ऐसे काट दिया ये नहीं करना है इससे इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर ओके इसको अवॉइड करना है एक सिंगल कट लगाना है एक सिंगल लाइन लगानी है और वो वर्ड आपका नहीं माना जाएगा ओके उसके नेक्स्ट वाला वर्ड को वो मानते हैं उसके बाद गाइस आई होप मैंने हर एक क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी हो कि आप किस तरीके से बहुत अच्छे आ, तरीके से आंसर्स लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर और अगर आपको यू शुड स्कोर हाई मार्क्स इन राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर सेक्शन बिकॉज यू मस्ट नो द फॉर्मेट वेरी वेल ओके राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन के अंदर आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए उसी के साथ साथ यू शुड डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द प्रिस्क्राइब बुक फॉर द आंसर जो आपकी ऑलरेडी बुक्स हैं आपके पास विस्तास फ्लेमिंगो ये सब बुक्स हैं इनके अंदर स्टोरीज जो लिखी हुई हैं आपको पर्टिकुलर आंसर क्या होना चाहिए आपको इन स्टोरीज से ही पता चलेगा ओके okay? सो so आपको अपने इंग्लिश एग्जामिनेशन के अंदर 95 प्लस स्कोर करके आने हैं हर एक टिप फॉलो करोगे अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ज़रूर आएंगे मार्क्स ओके okay? क्यों नहीं आएंगे जब इतने जैसे पढ़ा हुआ है तो ठीक है तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल सिंग क्रिएशन एजुकेशन से ही हमारा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पर ही फॉलो कर सकते हैं कोई भी डाउट हो वहाँ पर पूछ सकते हैं अदरवाइज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एज वेल एज अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज जरूर कर दीजिएगा रिप्लाई जरूर मिल जाएगा ओके विद ड गाइज थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे बाय